हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हमने बनाई है रोटी से सुपर टेस्टी मिठाई। आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। इसके लिए हमने यहाँ चार रोटी ली है। एक पैन में हमने घी गरम किया है। घी गरम होने के बाद हम इसमें रोटी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारी रोटियों को फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ ऑयल का यूज नहीं करना है, घी में ही हम सभी रोटी को फ्राई करेंगे। अब इनको हम कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब रोटी ठंडी हो चुकी है। एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम इनके सभी टुकड़े तोड़कर इनको हम पीस लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से रोटी का एक पाउडर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम उसी जार में 1/4 कप हम यहाँ चीनी लेंगे। 2 या 3 हम इसमें यहाँ हरी इलायची डालेंगे। उसके बाद हम कुछ बादाम और काजू डालेंगे। और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो रोटी का पाउडर बनाया था उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद ये चीनी का पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें यहाँ 2 चम्मच घी डाला है। और इन सभी को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ 1/2 कप दूध लिया है। हमारा ये दूध उबला हुआ है, इस दूध को हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। दूध डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस मिश्रण को हम हाथ में लेकर देखेंगे। अगर ये लड्डू की तरह ऐसे हाथ में बन रहा है तो हम इसमें और दूध नहीं डालेंगे। ये देखिए, इस तरह लड्डू की तरह ये बन रहा है, इसलिए अब हम इसमें और दूध नहीं डालेंगे। अब एक पैन में हम 1 कप दूध लेंगे। उसके बाद हम इसमें यहाँ 1 चम्मच घी डालेंगे। इसके बाद हमने यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। और इस तरह से हम इसको मिल्क पाउडर और दूध को इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद एक पेपर लेंगे, पेपर पर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम ये मिल्क पाउडर से हमने जो ये मावा तैयार किया है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई दाना ना रहे। ये देखिए इस तरह से। अब हम बेलन की सहायता से भी इसको बेल लेंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने रोटी की जो फिलिंग बनाई थी उसको इसके बीच में भर देंगे। अगर हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये रोटी की मिठाई है तो किसी को खाने पर ये पता नहीं लगेगा कि ये हमने रोटी से बनाकर तैयार की है। और फिर इसको इस तरह से हम रोल कर लेंगे। उसके बाद एक फॉइल पेपर में हम इसको लपेट कर 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे ये सेट हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेपर को निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारी मिठाइयाँ सेट हो चुकी है। इसके साइड के इसके बाद हम इस पर चांदी का वर्क लगा देंगे। इससे हमारी मिठाई देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। इसके बाद हम साइड से इसका कुछ पार्ट निकाल देंगे ताकि इसकी अच्छी शेप आए। और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी रोटी की सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप भी घर पर इस तरह से मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।